दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि पोहे और आलू से किस तरह और कैसे नाश्ता बनाया जाता है जो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा बनता है, जिसे कि बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आइए, उसके लिए मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और इसी में मैं एक कटोरी पोहा डालूंगी। पोहे को मैंने पहले से ही वाश कर लिया, ये मैंने पोहे को पहले वाश कर लिया था। ये फूल कर थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। मैंने ये 250 ग्राम पोहा लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कि आपको कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। आप अपने फैमिली के मेम्बर के अनुसार इस पोहे को यूज़ कीजिएगा। तो मैं इसमें से कटोरी पोहा पहले निकाल देती हूँ और अब इसी में हम डालेंगे बॉईल किए हुए आलू, कटे हुए बारीक गाजर, आपके पास जो भी वेजिटेबल हो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ये बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और फ्रेंड्स एक कटी हुई हरी मिर्च है। ये ऑप्शनल, अगर आपके घर में तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में मैंने ली हुई है लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और अब इसका हम अच्छा सा इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम इसे अच्छे से अब आटे में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको इसे आटे की तरह बिल्कुल मैश कर लेना है। पोहे को आपको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देना है, तभी आपकी अच्छी बाइंडिंग होगी, नहीं तो इसकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी और यह अच्छे से तैयार नहीं होगा आपका नाश्ता। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल से आटे की तरह कर लेना है, इसी तरह इसे अच्छे से मिक्स करके। अगर आप इसे ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कम ही मसाले डाले हैं। अगर आपके पास धनिया हो तो आप इसमें धनिया भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो देखिए मैंने इसका बिल्कुल आटे की तरह इसका डो तैयार कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार का एक डिब्बा ले लिया है। ये मिठाई जमाने वाले ट्रे हैं, आप चाहो तो आपके पास थाली हो तो थाली का भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और अब इसके अंदर लगा देंगे हम थोड़ा सा चिकना। तो देखिए मैंने इसके चारों तरफ चिकनाई लगा दी है और जो हमने अब डो बनाया था वो हम इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए मैंने अपने डो को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और अब इसे आप दबा के इसे एक सार कर लेंगे ऊपर से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ऊपर से कितना कलरफुल और कितना बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमने पेप्सी कम और ऑनियंस और इसमें गाजर का यूज़ किया हुआ है। वेजिटेबल आपके पास जो भी हो आप वही डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिया है वहीं आप लोग, जो कि पत्ता गोभी आपके घर में कोई भी हो वेजिटेबल हो तो उनका आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से एक सार कर लिया है। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए आप इस तरह रख दीजिएगा। तो उसके बाद हम एक बड़ा बाउल ले लेते हैं इस प्रकार का। हमें इसके अंदर बनाना है कॉर्नफ्लोर का घोल। तो उसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर ले लिया है। इसमें ये थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी मैं इसी में डाल लेती हूँ। इससे आपका नाश्ता काफ़ी टेस्टी बनेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा लगेगा। तो अब इसका हम बहुत ही अच्छा घोल बना लेते हैं। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप अरारोट भी ले सकते हैं या फिर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, मैदे से भी अच्छी बाइंडिंग आती है। तो देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर को खोल के इसका बहुत ही अच्छा पतला पेस्ट बना लिया है। इस प्रकार का आपको इसका पेस्ट बनाकर रख लेना है एक साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, इनका बिल्कुल बारीक बारीक ने इसके क्रम्स बना लिए हैं। मैंने 2 से 3 ब्रेड इसमें यूज़ किए हैं। एक तरफ मैंने अपनी कढ़ाई में ऑयल रख दिया है और अब जो ये मैंने अपना 2 से 3 मिनट के लिए पोहे का इसका मिश्रण रखा था उसे मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं यह है कितनी आसानी से और कितना बढ़िया निकल कर तैयार होता है। तो सेप इसे आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसे मिठाई की आकार में भी काट सकते हैं या लंबे आकार में भी काट सकते हैं। तो मैं इसे इस सेप में कटिंग कर रही हूँ इसकी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे कौन सी सेप देना चाहते हैं। आप चाहो तो इसे गोलाई में भी काट सकते हो। तो देखिए
अगर ये चार तरफ से थोड़ा बहुत आपको ऐसा फील हो रहा हो कि इसकी शेप अच्छी नहीं आई है, तो आप इसे इस प्रकार अच्छे से इसकी वो भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसकी चारों तरफ से इसे दबा कर, तो फ्रेंड्स सभी को मैंने इस प्रकार कट कर लिया है, आप देख सकते हो। मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ, देखिए इस प्रकार। अब मैं इन्हें सभी को कट करके एक साइड में रख लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने सभी को इस प्रकार कटिंग करके रख लिया है, और एक तरफ मैंने ये अपना उसका घोल ले लिया है, कॉर्नफ्लोर का घोल ले लिया है, और एक तरफ जो मैंने ऑयल रखा था वो भी हमारा गर्म हो चुका है। तो आप इसे डीप फ्राई करना चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपको इसे किस तरह और कैसे तलना है। तो देखिए ये मैंने अपने घोल के अंदर डिप करना है पहले, इस प्रकार मैंने इसे डिप कर लिया है, और उसके बाद अपने ब्रेड क्रम्स में इसे चारों तरफ इसके ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं इस प्रकार। इससे इसकी बाइंडिंग काफ़ी अच्छी होती है और दिखने में भी काफ़ी अच्छे बनते हैं ये। तो देखिए आप देख सकते हो इस प्रकार आपको इसे बना लेना है। एक एक करके मैं सभी को इस प्रकार बना के रख लूँगी। तो देखिए इसके चारों तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेते हैं। यह काफ़ी क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपके बच्चे इसे बार बार बनाने के लिए बोलेंगे, और आपके मुँह से इसका स्वाद बिल्कुल नहीं जा पाएगा। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए मैंने सभी अपने नाश्तों को इसी प्रकार तैयार कर लिया है, मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। देखिए आपको इसे पहले कॉर्नफ्लोर में भिगोना है और फिर अपने ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। तो इसी प्रकार आप सभी को तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी अपने नाश्तों को पहले कॉर्नफ्लोर में और फिर ब्रेड क्रम्स में बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कम ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए ज़्यादा ऑयल लिया हुआ है। देखिए मैंने अपनी कढ़ाई में इसका ऑयल डाल दिया था, और अब मैं इन्हें धीरे धीरे फ्राई करूंगी। तो धीरे धीरे मैं इसे ऑयल में छोड़ दूंगी। मैंने सभी को ऑयल में छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे आप इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से। तो इन्हें आपको पलटते रहना है। जब इनका सुनहरा अच्छा कलर आ जाए तब इसे आपको निकाल लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं अभी इसमें हल्का ब्राउन कलर आया हुआ है। तो देखिए मैंने सभी को उलट लिया है। तो धीरे धीरे करके आप इसे इसी तरह सेक लेंगे। आपको इसे लो फ्लेम पर सेकना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं सेकना है, वरना जो आपने इसमें वेजिटेबल डाले हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पका रही हूँ। इसमें 10 से 5 मिनट लग जाएंगी, लेकिन आपका नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। आपके पास अगर कॉर्न हो तो कॉर्न भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं इसे इसी तरह सेकने दूँगी ताकि ये अच्छे से ब्राउन कलर के हो जाएं और खाने में और दिखने में काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हों। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इनका कलर काफ़ी अच्छा आ चुका है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आपको इन्हें धीरे धीरे इसी प्रकार पका लेना है। तो देखिए मैं अब इसे अपने प्लेट में निकाल लूँगी। तो इसी प्रकार आपको अपने जो पहले बना और भी बना रखे हैं वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो आप इसका साइज़ देख लीजिएगा, आपको इसे इतना पतला बनाना है, ना तो ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। इस प्रकार अगर आप इसे बनाएंगे तो ये सिकने में भी काफ़ी अच्छे आएंगे और अंदर से काफ़ी अच्छी तरीके से पक जाएंगे। अगर ज़्यादा मोटे बनाओगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खाने में भी बिल्कुल स्वाद नहीं लगेंगे। तो देखिए मैंने ये 4 से 5 पीसेस में फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। तो धीरे धीरे मैं इन्हें भी इसी प्रकार फ्राई कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे ये क्रिस्पी नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। यह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। देखिए आप दिखने में भी जितने अच्छे दिख रहे हैं उतने खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे लगेंगे। यह बच्चे बड़े और बूढ़ों को बहुत पसंद आएंगे। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको यह पसंद आई।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अब इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हुए हैं, देखिए, और अंदर से भी कितने बढ़िया और कितने कलरफुल लग रहे हैं, आप देख सकते हो। यह अंदर से भी बहुत ही अच्छे तरीके से पके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगले एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।